नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी है और मैं इस समय इटर्नल हॉस्पिटल में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एवं स्ट्रक्चरल हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने अपना MBBS MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर एंड MD MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं DM इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम KGMC लखनऊ से किया था। इसके बाद मैंने स्ट्रक्चरल हार्ट एवं कॉम्प्लेक्स कोरोनरी के अंदर फेलोशिप अर्जित की है माउंट साइनाय हॉस्पिटल न्यूयॉर्क अमेरिका से, और उसके बाद से फिर मैं अपनी सारी सेवाएं इटर्नल हॉस्पिटल में फिलहाल दे रहा हूं। बेसिकली स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी ही है। क्योंकि इस बीमारी का पहले इलाज केवल ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से ही होता था, परंतु पिछले कुछ सालों से साइंस के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से और एक्सपर्टीज से इस बीमारी का इलाज बिना ओपन हार्ट सर्जरी के भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ के अंदर बेसिकली वो बीमारियां जो बच्चों में जन्मजात होती हैं, जैसे कि दिल के अंदर छेद का होना, वो बीमारी जिसमें वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वॉल्व में सिकुड़न का होना या वॉल्व के अंदर लीकेज का होना, ओल्ड एज के पेशेंट जिनके अंदर वॉल्व में सिकुड़न आ जाती है, कैल्शियम का जमाव हो जाता है या वॉल्व के अंदर लीकेज आ जाता है, या जिनको पहले से वॉल्व लगा हुआ है उनके वॉल्व में दोबारा से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ये सभी स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ का पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ बेसिकली एक वाइड स्पेक्ट्रम है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसमें कई तरीके के दिल के अंदर छेद होते हैं, कई तरीके के वॉल्व होते हैं, चार डिफरेंट वॉल्व्स होते हैं, उन डिफरेंट वॉल्व्स में सिकुड़न भी हो सकती है, लीकेज भी हो सकता है। उन बीमारियों का इलाज डिफरेंट तरीके से होता है। पहले ये इलाज केवल ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू होता था, अब ये इलाज ट्रांसकैथेटर थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है, जिसके अंदर हम बिना ओपन हार्ट किए, बिना चीरा लगाए, सीने में चीरा लगाए पेशेंट को जिस तरीके से एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी तरीके से हम वॉल्व को चेंज कर सकते हैं, दिलों के अंदर जो दिल के अंदर छेद होते हैं उन छेद को बिना ओपन हार्ट किए डिवाइसेस लगा के उस छेद को बंद कर सकते हैं और पेशेंट को इमीडिएटली रिकवरी हो जाती है। जिसमें बेसिकली ट्रांसकैथेटर थेरेपी जो होती है उसके अंदर बिना ओपन हार्ट किए, बिना पेशेंट को बेहोश किए, पेशेंट को जिस तरीके से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं उसी तरीके से पैर की नस से एक छोटा सा इंसीजन लगा के और उसके थ्रू हम वायर्स के थ्रू हार्ट के अंदर पहुंचते हैं और हार्ट के अंदर हम वॉल्व को, जो कि क्रिम्प्ड वॉल्व होता है, उस क्रिम्प्ड वॉल्व को वहाँ पे प्रिसाइसली लोकेट करके और उस वॉल्व को हम वहाँ पे पुराने वॉल्व के अंदर ही उसको डिप्लॉय कर देते हैं, जिसको हम ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट या ट्रांसकैथेटर मिटरल वॉल्व रिप्लेसमेंट, डिपेंड करता है कि हम जिस किस जगह का वॉल्व को रिप्लेस कर रहे हैं उसके हिसाब से उस पद्धति का नाम होता है। तो जैसे ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, ये उन पेशेंट्स में होता है जिन पेशेंट को एओर्टिक वॉल्व, जो हार्ट का मेन वॉल्व होता है, जो हार्ट से ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, उस पाइप के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, उसमें अगर सिकुड़न हो जाती है तो उस केस में हम ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। ये जो पद्धति होती है जिसे ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, ट्रांसकैथेटर मिटरल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट और ट्रांसकैथेटर ट्राइकस्पिड वॉल्व रिप्लेसमेंट, ये जो पद्धति होती है इसमें मरीज को बेहोश नहीं करते हैं, ओपन हार्ट नहीं करते हैं, धड़कते हुए दिल में ही ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद होश में होता है, इमीडिएटली पेशेंट को खाना खिला दिया जाता है 1.5 से 1 घंटे बाद, और 4 से 6 घंटे बाद पेशेंट को चला भी दिया जाता है और दूसरे दिन पेशेंट अपने रूम में शिफ्ट हो जाता है, 1 दिन ICU में रखते हैं और 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। देखिए, टावी थेरेपी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए सर्जरी हाई रिस्क होती है, जैसे वो पेशेंट जिनकी उम्र 65 साल या उससे ऊपर है, या वो पेशेंट जिनको अदर कोमोरबिडिटीज़ हैं, जैसे कि लंग्स ख़राब हैं या लिवर में कोई प्रॉब्लम है या जिनके ब्रेन में पहले कभी स्ट्रोक हो चुका है, तो वो पेशेंट्स कार्डियक सर्जरी के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हाई रिस्क होते हैं। स्पेशली वो पेशेंट जिनका पहले भी एक बार ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है या पहले वॉल्व का ऑपरेशन हो चुका है, ये सभी पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। तो ये जो पद्धति है ये उन पेशेंट्स के लिए है जो हाई रिस्क हैं या
रिस्क कम है बट अदर ऑर्गन्स में अफेक्ट है, उन पेशेंट्स को हम बिना ओपन हार्ट किए इस तरीके से, जिस तरीके से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं और बिना बेहोश किए, बिना हार्ट को पंप करते हुए उस थेरेपी को हम इलाज करते हैं।